हेलो दोस्तों, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। अगर दोस्तों आप सबको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में आपको बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। तो ये हुआ बैकग्राउंड चेंज, वॉइस कैसे बढ़ाना है और नॉइज कैसे हटाना है बैकग्राउंड से और इफेक्ट कैसे लगाना है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है रोशन शर्मा और आप देख रहे हैं मिस्टर कंप्यूटर ज्ञान चैनल, और आपको इस चैनल में मैं दिल से स्वागत करता हूँ। चलते हैं अपने डिस्कशन की ओर, अब देखेंगे कि कैसे वीडियो एडिटिंग किया जाता है। दोस्तों आप फिल्मोरा को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। पहला इंटरफेस है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये हो गया आपका, जो इतने आपको एरिया दिखाई दे रहा है वो हो गया हमारा व्यूअर, और ये हो गया हमारा जो आप अपने फाइल से जो इंपोर्ट करेंगे वो आपको इस एरिया में आपको दिखाई देगा। और दोस्तों ये जो आप दिख रहे हैं यहाँ पर ये नीचे, वो हो गया आपका टाइमलाइन, और ये सब हो गया आपको आपका ऑडियो ट्रैक, और ये हो गया वीडियो ट्रैक। और दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ टूल्स दिखने को मिल जाएगा, एक है कटिंग टूल्स, एक है एडिट टूल्स, और यहाँ पर ये जूम इन जूम आउट का ये आपको दिखाई देगा। और उसके बाद आपको यहाँ ऊपर में मीडिया दिखाई देगा, जब आप कोई भी फाइल या वीडियो फोटो आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको ये मीडिया फाइल में आपको दिखाई देगा। और आपको यहाँ पर अगर कोई कलर लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं इस मीडिया फाइल से। दोस्तों ये हो गया ऑडियो, जहाँ से हम ऑडियो भी रख सकते हैं अपने वीडियो में। और दोस्तों ये हो गया टाइटल, और ये टाइटल आप अपने वीडियो में इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया आप ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का यूज हम अपने वीडियो में थोड़ा इफेक्ट डालने के लिए करते हैं। और ये हो गया दोस्तों हमारा इफेक्ट, ये इफेक्ट हमारे वीडियो में रखने के लिए हो गया। और ये एलिमेंट, और ये हो गया स्प्लिट स्क्रीन। तो दोस्तों आपने ये सब जान लिया तो आप कोई भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है आप इजीली वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इंपोर्ट कैसे करना है अपने फाइल को। मान लीजिए वीडियो, इमेज व ऑडियो क्लिप को आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं अपने फिल्मोरा में। तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है और आपको कोई भी एक वीडियो ले लेना है। मान लीजिए मैंने ये ले लिया और यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। और इसको आप ट्रैक करके हम सिंपली यहाँ पर टाइमलाइन पर लाएंगे, और उसके बाद हम अगर आपको करना है वीडियो से ऑडियो को डी अटैच, तो उसके लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा डी अटैच ऑडियो। तो आप इसी तरह से अपने ऑडियो को डी अटैच कर सकते हैं। दोस्तों अगर चाहते हैं आप अपने ऑडियो को वॉल्यूम मतलब वॉइस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑडियो पर डबल क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अपने वॉइस को इंक्रीज करने के लिए। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये जो आपको एक हाथ का लोगो दिखाई रहा है उससे आप नीचे ऊपर करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके जो बैकग्राउंड में नॉइज है उसको कैसे रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड नॉइज को यहाँ पर चेक कर देना है। और उसके बाद अगर आपके वीडियो में ज्यादा नॉइज है तो आप स्ट्रॉन्ग पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपके वीडियो में थोड़ा कम नॉइज है तो आप मीडियम कर सकते हैं, और सिंपली यहाँ से ओके कर सकते हैं। तो आगे अब बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप अपने पहला वीडियो जो है वो आपके जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसके पीछे आपके ग्रीन ग्रीन कपड़े होना चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ पर वीडियो को लाकर और या टाइमलाइन पर लाकर आप सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आप इनेबल कर दीजिए, और सिंपली आपका जो कलर है वो कलर में आप कन्वर्ट करके सिंपली आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ बैकग्राउंड चेंज। दोस्तों आपने देखा कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। अगर दोस्तों आपको पीछे कोई अपने अपने कस्टम
फाइल को रखना है तो वो आप कैसे रखेंगे, अपने कस्टम पिक्चर को कैसे रखना है अपने बैकग्राउंड में, तो उसके लिए आपको सिंपली से अपने आपने कोई इमेज बनाए हैं पीछे रखने के लिए, बैकग्राउंड में रखने के लिए, तो आप सिंपली यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं या आप यहाँ से सिंपल कलर में जाकर आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर ट्रैक करके यहाँ नीचे आपको रख देना है कुछ इस तरीके से। और आप देख सकते हैं यहाँ जो मेरा बैकग्राउंड है वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों आप इसी तरह से आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब आता है कि आप अपने वीडियो में जूम इन जूम आउट कैसे करें, तो उसके लिए आपको सिंपली से कोई भी वीडियो अपने टाइमलाइन पर रख लेना है और उसके बाद आप यहाँ से प्ले करेंगे तो आप कहाँ से वीडियो को जूम इन करना चाहते हैं और कहाँ से जूम आउट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सिंपली से पॉज कर देना है। और उसके बाद आपको मान लीजिए मैं यहाँ पर यहाँ से मुझे को जूम करना है तो मैं यहाँ से सिंपली इसको कट कर लूँगा और उसके बाद कहाँ तक करना है यहाँ तक तो मैं सिंपली यहाँ से इसको कट कर लूंगा और उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है और सिंपली जाना है क्रॉप एंड जूम पर। आपको यहाँ पर जाने के बाद आप सिंपली यहाँ से इसको पेन एंड जूम पर जाना है आपको और उसके बाद आपको ये जो दिख रहा है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे आपका होगा। तो आप इसी तरह से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से देखना है तो आप सिंपली यहाँ से क्लिक कीजिए, जूम हो गया और उसके बाद आपको जूम आउट करना है तो उसके लिए आपको सिंपली कहाँ से करना है वहाँ पर आपको सिंपली कट कर देना है और उसके बाद आपको फिर से वहीं पर क्रॉप एंड जूम पर जाना है और फिर से पेन एंड जूम पर जाना है आपको और आपको सिंपली से दोस्तों आप इसी तरह से आप अपने वीडियो में जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आता है कि आप अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे रखें और वीडियो को इम्पोर्ट सॉरी म्यूजिक को इम्पोर्ट कैसे करें अपने मीडिया फाइल में, तो उसके लिए आपको सिंपली म्यूजिक पर जाना है और उसके बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है यहाँ पर और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा इंपोर्ट का, उस पर आप इंपोर्ट मीडिया फाइल करेंगे तो आपका जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपका जहाँ पर म्यूजिक है वो आप सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहीं से कोई एक म्यूजिक सिलेक्ट करके रख लेता हूँ। मान लीजिए ये रखना है मुझको, आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं इसी में कि आपको कोई म्यूजिक अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आपको सिंपली इस पर डबल क्लिक कर देना है तो आपके सामने एक म्यूजिक बजने लगेगा। तो आप सिंपली इस म्यूजिक आपको कोई म्यूजिक पसंद आ गया तो उसको आप रखने चाहते हैं अपने बैकग्राउंड में, उसके लिए आपको सिंपली इसको ट्रैक करके यहाँ पर लगा देना है और इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम होता है वो आपको रखना है 23-23.64 पर आपको यहाँ पर रख देना है। और आपको जहाँ तक आपकी वीडियो है आप जहाँ तक अपने म्यूजिक को रखना चाहते हैं तो वहाँ तक आप रख सकते हैं, यहाँ पर आप रख देना है और सिंपली यहाँ से कट कर देना है और डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के बाद आपका जो म्यूजिक होगा आपके वीडियो तक ही रह जाएगा। और तो दोस्तों अब अगला आता है कि आप अपने वीडियो पर कोई टाइटल कैसे सेट करें, उसके लिए आपको सिंपली टाइटल पर जाना है और टाइटल के बाद आपको कोई भी एक टाइटल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है ओपनर के लिए, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका जो टाइटल है वो कैसा दिखेगा। डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो टाइटल है वो कुछ इस तरीके से आपके व्यूअर में शो होने लगेगा। तो आप मान लीजिए ये आपको पसंद आया तो आप सिंपली इसको ट्रैक करके अपने वीडियो के ऊपर
लगा दीजिए और कहाँ तक आप लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। और इसको आप साइड में करना चाहते हैं तो यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से आपको आप जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ से आप रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आपको सिंपली ओके कर देना है। आप एडवांस पर जाएंगे तो आपका जो पूरी की पूरी लिस्ट आपको दिखाई देगा, जो वीडियो के ऊपर है नीचे है वो सब कितने टाइटल है आपके इसमें, तो वो सब आपको दिखाई देने लगेगा। और आप सिंपली यहाँ से ओके कर दीजिए और आपको जो टाइप करना है वो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं करता हूँ अपने चैनल का नाम मिस्टर कंप्यूटर ज्ञान, आप इसी तरीके से रख सकते हैं। और आपको कलर चेंज करना है तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा टेक्स्ट कलर, तो आप यहाँ से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए। और आपके टेक्स्ट को स्पेस चाहिए तो आप यहाँ से भी स्पेस दे सकते हैं। तो दोस्तों आपने जान लिया कि आप अपने वीडियो में किस तरीके से टेक्स्ट सेट कर सकते हैं और किस तरीके से उसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगला आता है कि आप अपने वीडियो में ट्रांजिशन कैसे सेट करें। सिंपल है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रांजिशन का, तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कीजिए और आपको कौन सा पसंद है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। तो मान लीजिए आपको 3D करना है तो आप सिंपली, मान लीजिए मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ से इसको कट कर लूंगा और इसको ट्रैक करके मैं सिंपली यहाँ पर, और इसका आप सेकेंड भी चेंज कर सकते हैं। आप 1 सेकेंड के रखना चाहते हैं कि 2 सेकेंड के, तो मैं सिंपली इसको 1 सेकेंड के लिए सेट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा है वो ट्रांजिशन सेट हो चुका है। तो दोस्तों आपने सीख लिया कि आप अपने वीडियो में कैसे ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं और उसका जो कितने टाइम पर आएगा कितने टाइम पर जाएगा वो आपने करना सीख लिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अब अगला आता है कि आप अपने वीडियो में कैसे इफेक्ट डालेंगे। सिंपली यहाँ से आप अपने वीडियो को कट कीजिए, कहाँ पर आप रखना चाहते हैं वहां तक आप अपने वीडियो को पहला कट कर लीजिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अपने वीडियो को यहाँ से कट किया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इफेक्ट रखना चाहता हूँ, तो आप सिंपली इफेक्ट के ऑप्शन पर जाइए और आपको यहाँ से कोई भी एक इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अगर दोस्तों आपको ये रखना है तो आप सिंपली इसको ट्रैक करके यहाँ पर आप अपने रख लीजिए और सिंपली इसको जहाँ तक आप रखना है वहाँ तक आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों आप मान लीजिए आपके वीडियो में कहीं पर ब्लर करना है तो वो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपली यूटिलिटी में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा फेस ऑफ का, जहाँ पर आपको ब्लर चाहिए वहाँ पर आपको रख देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा फेस है वो ब्लर हो चुका है। दोस्तों अगर आपको कोई भी इफेक्ट ऑब्जेक्ट में ब्लर करना है तो वो आप कैसे करेंगे, तो सिंपली आप उसको आप सिंपली यहाँ पर ट्रैक करके लाइए और उसके बाद आपको यहाँ पर कहीं पर आपको ये ले जाना है, कहीं पर आपका ये ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप ब्लर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, अपने कोई भी ऑब्जेक्ट पर रख सकते हैं और यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपने सीख लिया है कि आप अपने वीडियो में कैसे इफेक्ट डाल, कैसे अपने फेस को ब्लर करें और किसी भी ऑब्जेक्ट को भी कैसे ब्लर करें वो आपने सीख लिया। दोस्तों अगर आपको अपने वीडियो में एलिमेंट सेट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे सिंपल है, आप कोई भी अपने एलिमेंट को सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया है लव का, जर्नी का, शिप का, तो मान लीजिए मैं इसको रखना चाहता हूँ तो सिंपली आप इसको ट्रैक कीजिए और यहाँ पर रख लीजिए और कहाँ तक आप अपने वीडियो को रखना चाहते हैं तो वो आप सिंपली यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद इसको भी अपने कोई, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और मैं सिंपली इसको क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ इस तरीके से आप अपने वीडियो में एलिमेंट भी लगा सकते हैं।
दोस्तों अब जो अगला है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है अपने वीडियो एडिटिंग में। कोई भी क्लिप को आपको डिलीट करना है, कट करना है, वो डिलीट आपको नहीं सॉरी वो क्लिप आपको नहीं चाहिए, तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको सिंपली अपने वीडियो को प्ले करना है, प्ले कीजिए अपने वीडियो को और उसके बाद आप देखिए आपको कौन सी क्लिप नहीं चाहिए। मान लीजिए मुझे ये क्लिप नहीं चाहिए इतने, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको कट करूँगा और सिंपली इस पर हम क्लिक करके डिलीट कर देंगे, तो वो मेरा जो क्लिप है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और सिंपली आप यहाँ से यहाँ तक हमको नहीं चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ से इसको क्लिक सेलेक्ट करूँगा और सिंपली डिलीट कर दूँगा, तो ये डिलीट हो जाएगा और आपका जो वीडियो है, ठीक है ना दोस्तों, आप अपने वीडियो को कैसे कट करेंगे और कैसे डिलीट करेंगे, जो आपको नहीं चाहिए वो क्लिप वो आप कैसे डिलीट कर सकते हैं वो आपने सीख लिया। मान लीजिए आपका जो साउंड है वो थोड़ा पतला है, तो उसको हार्ड कैसे करेंगे? अगर आपका दोस्तों अगर आपका जो साउंड है वॉइस है वो अगर हार्ड है तो उसको सॉफ्ट कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपका सॉफ्ट है आपका वॉइस, तो आप यहाँ से हार्ड हार्ट पर क्लिक कीजिए। अगर दोस्तों आपका हार्ट वॉइस है, तो आप यहाँ से सिंपली सॉफ्ट पर क्लिक करके आप सिंपली ओके कर दीजिए और आपका जो ऑडियो है वो सिंपली सॉफ्ट हार्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपने सीख लिया कि आप अपने ऑडियो में कैसे साउंड भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आपने तो वीडियो एडिटिंग करना सीख लिया, लेकिन अगर दोस्तों आपको इस वीडियो को इंपोर्ट करना है सॉरी एक्सपोर्ट करना है अपने फाइल में अपने मीडिया में, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको सिंपली से एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों अगर आपको चाहिए, अगर यहाँ से आप उस वीडियो का नाम भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से कोई फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और दोस्तों आपको यहाँ से लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं इस वीडियो का। और दोस्तों इस सेटिंग के मदद से आप अपने वीडियो को हाई रेजोल्यूशन या लो रेजोल्यूशन दोस्तों आप इस सेटिंग से कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद आपको सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सिंपली आप मुझे कमेंट कर दे कि अच्छा लगा है, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ अपने इस चैनल पर मिस्टर कंप्यूटर ज्ञान। दोस्तों आप इसी तरीके से आप अपने कोई भी वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।